लोग लिट्टी चोखा खाते होंगे, लेकिन लिट्टी आज मेरे पास नहीं, चोखा सिर्फ है, इनका नाम है चोखा। चोखा का चोख प्रणाम स्वीकार करी। अब देखिए चोखा आ गया बा चोख। ए भाई इतना देखो, बोलने से पहले मतलब इनको मैं कुछ आदेश दूं, उससे पहले अपनी रामायण सुनाना शुरू कर दिया। इसी इनका नाम चोखा है, इसी यही मारे चोखा। वो कहा हर जगह फिट हो जाता है, हर जगह। आप चिकन भी खाइए तब वो चोखा टेस्ट करेंगे तो बढ़िया बुझाएगा जी। कहाँ संजय भैया मना डाले ना, थोड़ी टेस्ट कर और नमक डालो। अरे रवि जी तो भरुआ मर्चा वैसा लग रहा है, देख रहे हैं भरुआ मर्चा वाला रहा है, बड़ा तेज है। इसीलिए तो हमारे तभी तो टेस्ट बढ़ा है। बताइए हम लोग आज जो है आग और सुहाग का दूसरा शेड्यूल है, जिसमें रवि जी का दूसरा दिन है और इसमें रवि जी बताएंगे क्या होगा इनके साथ। अभी मेरे साथ होगा नहीं, मेरे और मेरी बहन का कन्वर्जेशन वो वाला सीन है। इसकी स्थिति ये है, इसकी स्थिति ये है कि पसीने आ रहे हैं बेचारे को, ठीक है, कुछ गलत किया। अब लोग ऐसे बोलते हैं कि मैं हॉट हूँ, पसीने आ जाते हैं। अभी तक लड़कियां कह रही थी कि वो हॉट होती है। रवि यादव है जो हॉट है, लड़की आजकल नॉर्मल हो गए, ठीक है। चौथा आदमी उसको हॉट कर दिया है, जो गैस गैस पे नहीं बनता ना, वो हम लोग मीठा बनाते हैं लिट्टी चोखा, तो भाप लग के इसका देखिए थोड़ा सा पसीना आ रहा है बेचारा को। लेकिन अभी क्या इसमें करेक्टर है जरा हमें दोस्तों बताओ। कैरेक्टर तो रिवील नहीं करेंगे, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ सर, उसमें गुंडा का रोल कर रहा है, हीरो का रोल कर रहा है। अरे गुंडा नहीं, असल में मैं हीरो हूँ सर। पक्का डेफिनेटली आप देखेंगे तो आपको लगेगा गुंडा का, तो फिर हीरो बोल रहा है। नहीं नहीं हीरो, यही मैं पहले जानना चाह रहा था। नहीं नहीं हीरो है इसमें। इसमें जो ये फिल्म पूरी पारिवारिक फिल्म है सर, मतलब कि एक भी अश्लील सीन नहीं मिलेगा, एक भी अश्लील गाना नहीं मिलेगा इसमें। भोजपुरी की अब तक की सबसे अच्छी फिल्म होने वाली है, उसका पूरा क्रेडिट। अच्छा चलिए असली क्या बात, तो मैं कुछ नहीं चाहता, इसका पूरा क्रेडिट संजय वत्सल जी को जाता है, बहुत मेहनत की है। असलील के हम लोग बात कर रहे हैं, पता चल रहा है, लेकिन हम एक चीज और जानना चाहते हैं, ये असलील आई कहाँ से? हमने जितनी सिनेमा भोजपुरी में देखा है, हमको असलील दिखता नहीं। कोई सिनेमा आपने देखा जिसमें असलील नजर आता है? सिर्फ एल्बम है जो नए लड़के गाते हैं होती है, और उत्तर प्रदेश के जो हमारे मुखिया हैं योगी जी, उनसे मैं आग्रह करूंगा एक बार सिनेमा को आप जरूर देखिए, भोजपुरी सिनेमा को। अश्लीलता कहाँ से आती है? हमारे जो बॉलीवुड के जो कलाकार है, जैसे कि राजू श्रीवास्तव ने जो मुद्दा उठाया है, राजू श्रीवास्तव से बड़ा अश्लील आदमी कोई नहीं है, क्योंकि ये जो भोजपुरी इंडस्ट्री इतनी अच्छी बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है, बॉलीवुड लोग उसको देखना पसंद नहीं करते। राजू मैं उन पर आरोप लगाऊंगा, पहले हमारी भोजपुरी सिनेमा को देखें, उसके बाद हमारे भोजपुरी को अश्लील बताएं, ये हमारे कहने का मतलब है। नहीं राजू श्रीवास्तव जी ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि भोजपुरी अश्लील ज्यादा होती है। ऐसा मुझे लगता है ना संजय जी, जब भोजपुरी ना देखेला, भोजपुरी ना बोलेला, वह कहला कि भोजपुरी अश्लील बाबू देखने ना जाके देखे भोजपुरी को, फिर बताएगा अश्लील है कि नहीं है। आप बताइए क्या करते हैं? मुझे लगता है जैसे आपने पहले कहा कि जो एल्बम है, दो तीन सिंगर है, नाम देने से कोई सकता नहीं, कुछ याद प्रेमी प्रेमी जो नाम है उसको जानता तक नहीं, अब देश प्रेमी आप उसको देख लीजिए कितने गंदे गाने गाता है। लेकिन जो सिनेमा को राजू श्रीवास्तव ने प्रहार किया, ये बहुत गंदा काम किया राजू श्रीवास्तव ने, और उसके लिए हम लोग बहिष्कार कर रहे हैं और करते रहेंगे कंटिन्यू, क्योंकि हमारा सिनेमा से अच्छा स्वस्थ बॉलीवुड भी नहीं होता। बॉलीवुड जितनी गंदगी दिखाता है ना, भोजपुरी उतनी संस्कृति चीज को दिखाई जाती है। ये संजय जी आप क्या बोलते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक बार मैं राजू श्रीवास्तव को सुना नहीं हूँ, मैं सुनना चाहूंगा और सुनूंगा फिर मैं, जैसा संजय जी ने बताया कि जैसा संजय जी बोल रहे हैं फिर वैसा ही बोलूंगा। भोजपुरी सिनेमा कोई भी एक सिनेमा आप उठ के देख लीजिए, जो भी है, ये 5 से 10 सालों में बनी हो, कोई भी फिल्म नहीं है, आप कभी उस चीज के मतलब समझिए, बहुत मजा आए। मुझे लगता है कि राजू जी ने अगर कुछ कहा है तो कुछ सोच समझ के कहा होगा, ऐसा तो नहीं है कि वो एक जेंटलमैन पर्सन है, जब किसी व्यक्ति है, जब किसी को चेयर मिल जाता है भाई, तो उस चीज को चेयर के गरिमा को। देखिए संजय जी मैं कहना चाहूंगा कि भोजपुरी एक ऐसा चीज है, जब बच्चा अगर पेट में आवेगा यहाँ से लेके मरने तक गीत हो खिला ओकर के चर्चा नहीं बा, ब्याह में गाड़ी होला ओकर खातिर पैसा भी दिया जला ओकर कोनो चर्चा नहीं बा। हम कहते ये थोड़ा सा बात आगे बॉलीवुड में, अरे तेरे चुम्मे में चमन परास है कौन अच्छा गाना है, कुंडी मत खड़काओ राजा सीधा अंदर आओ राजा, बड़ा अच्छा चीज है।
सबसे अश्लील गाना ही है, एकरे खिलाफ क्यों नहीं बोल लेबा? अरे वह दुबरे के मेहरू मेहरी गांव भर सरहज वह हालत बन बा क्यों बोलत नहीं बा? ये हमारे नहीं तो भोजपुरी में सबसे अच्छा संस्कार है, सबसे अच्छा गीत है, ऊपर क्यों चर्चा नहीं कर रहे हैं? आप लोग कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। रवि जी हमारे फिल्म के हीरो हैं, श्रुति जी हीरोइन है, डायरेक्टर संजय बंसल जी कॉमेडियन, देखिए चोखा जी हैं, चोखा जी का गुप्त रोल है, एक गुप्त आदमी है, गुप्त रहते हैं हमेशा, सही बात है। विजय विजय वर्मा जी हैं, फिल्म में क्या करेक्टर था आपका? सर मैं विजय मतलब हीरो बंद करें। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।